इस फिल्म की कहानी एक हाई स्कूल स्टूडेंट की है जो अपने पेरेंट्स के बाहर जाने के बाद घर में कॉल गर्ल्स को बुलाकर एंजॉय करता है और अपने घर को एक ब्रॉथल बना देता है, और फिर इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए वो एक बिजनेस भी खड़ा कर लेता है। अब वो ऐसा कैसे करता है, आइए जानते हैं। फिल्म का नाम है रिस्क बिजनेस। तो कहानी शुरू होती है जोल एके यंग टॉम क्रूज को दिखाते हुए, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। जोल अपने घर जाने के बजाय अपने पड़ोसी के घर जा रहा होता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि दरवाजा पहले से खुला है, तो वह अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे ऊपर के कमरे से पानी गिरने की आवाज आती है, सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो चेक करने के लिए ऊपर जाता है। वहां वो बाथरूम में एक लड़की को नहाते हुए देखता है। उस लड़की को नहाते हुए देखकर जोल के अंदर का छोटा चेतन जाग जाता है। फिर वो लड़की जोल से कहती है कि प्लीज मेरी पीठ रगड़ने में मदद करो। जोल भी बिना टाइम वेस्ट किए उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो रियलाइज करता है कि उसे अपने एग्जाम के लिए देर हो गया है। एक दिन जोल अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। वो अपने दोस्तों को अपने सपने के बारे में बताता है। वो फेंकना शुरू करता है और कहता है कि कल रात वो अपने साइड वाले घर के बेबी सीटर के साथ पलंग तोड़ रहा था। उसकी इस बात पर कोई भी ऑब्वियसली बिलीव नहीं करता। जोल के पेरेंट्स किसी काम से शहर से बाहर जाने वाले थे। जोल का दोस्त माइल्स कहता है कि इस मौके को गंवाना मत। उसके पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे और जाते आते जोल से कहकर गए थे कि जो सामान जहां है वैसे ही रहना चाहिए। उसके पिता उसे स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि मेरे म्यूजिक प्लेयर को हाथ भी मत लगाना। पेरेंट्स के जाते ही जोल के निकल पड़ती है और वो लाउड म्यूजिक लगा के नंगा पुंगा होकर डांस करने लगता है, जो कि शायद हम सभी करते हैं। अगले दिन जोल अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि उसके एक दोस्त को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। जोल और उसका दोस्त बेरी एक बिजनेस शुरू करने के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। एक दिन जोल का एक फ्रेंड ग्लेन एक लड़की को लेकर उसके घर पर आ जाता है, क्योंकि जोल के पेरेंट्स घर पर नहीं थे। वो दोनों ऊपर के कमरे में जाकर धुआंधार सेक्स करने लगते हैं और नीचे बैठा जोल उस लड़की की आवाज़ सुनकर इरिटेट हो जाता है और अपने डैड की पॉश लेकर निकल जाता है। रास्ते में वो लड़कियों के सामने अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो सिग्नल पर एक कार के साथ रेस भी लगाता है और पूरी रात दिल खोलकर एंजॉय करता है। अगली सुबह माइल्स जोल से कहता है कि अभी तुम्हारा घर खाली है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। वो जोल के लिए कॉल गर्ल को बुला लेता है, बट जोल खुश रहने की जगह माइल्स पर गुस्सा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपका फ्रेंड आपके लिए ऐसा करता तो आपका रिएक्शन क्या होता, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एनीवे, माइल्स फिर कॉल गर्ल कैंसिल करने के लिए उसी नंबर पर कॉल करता है, बट नंबर नहीं लगता है। उसी रात 8 बजे जोल के दरवाजे पर घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर जोल देखता है कि माइल्स ने गलती से कॉल गर्ल की जगह एक गे को बुला लिया था। अपना भड़का हुआ सामान लेकर जोल माइल्स को फोन करने के लिए अंदर चला जाता है, बट माइल्स कहता है कि अभी वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो गे जोल से अपना सर्विस चार्ज मांगने लगता है। जोल के पेरेंट्स ने उसे जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे उसे उस गे को देने पड़ते हैं। जाते आते वो गे जोल को एक दूसरे कॉल गर्ल का नंबर देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है। रात में जोल को नींद नहीं आ रही होती है, वो उस नंबर पर कॉल लगा देता है। थोड़ी देर बाद वहां लैना नाम की एक खूबसूरत ब्लॉन्ड लड़की सर्विस प्रोवाइड करने आ जाती है। पूरी रात जोल और लैना करने में बिजी हो जाते हैं। सुबह लैना अपने सर्विस के लिए जोल से $300 की डिमांड करती है, बट अपने जोल के पास तो 40 कौड़ी भी नहीं होती है। वो कहता है कि अभी उसके पास कैश नहीं है, उसे बैंक जाना पड़ेगा। बैंक से जब जोल घर वापस आता है तब देखता है कि लैना वहां से जा चुकी है, पर जाते आते वो उसकी मॉम की एक बेहद एक्सपेंसिव एंटीक ग्लास से चुरा कर अपने साथ ले गई है। जोल की फटके हाथ में आ जाती है। घबराए जोल अपने हरामी दोस्त माइल्स को अपनी सारी राम कहानी सुनाता है। दोनों फिर लैना को ढूंढने में लग जाते हैं और एक दिन उन्हें लैना एक होटल में दिखाई देती है। लैना जोल से कहती है कि मुझे जल्दी यहां से लेकर चलो। दरअसल लैना अपने मैनेजर से भाग रही थी। जोल लैना से कहता है कि पहले तुम मेरी मॉम की एंटिक अंडा वापस करो, तो ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लैना कहती है कि मैं तुम्हारी चीज वापस कर दूंगी, बट अभी तुम यहां से चलो। घबराया जोल फिर गाड़ी में वहां से निकल जाता है। वो लैना का मैनेजर उसका पीछा करने लग जाता है। मैनेजर से पीछा छुड़ाने के लिए जोल काफी तेजी से गाड़ी भगाने लगता है और आखिरकार वो मैनेजर से अपना पीछा छुड़ा ही लेता है। जोल लैना से पूछता है कि वो मैनेजर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था। लैना कहती है कि उसने अपने मैनेजर से कुछ पैसे उधार लिए थे अपने मेडिकल बिल्स भरने के लिए। वो उसके लिए काम करती थी, बट उसके रूड बिहेवियर की वजह से वो अब नहीं करना चाहती है। रात में जोल लैना को अपने घर में रुकने की परमिशन दे देता है। सुबह जोल को स्कूल जाना होता है, इसलिए वो लैना से जाने के लिए कहता है, लेकिन लैना वहां से नहीं जाती है। फिर जोल अपना पिछवाड़ा उठाकर स्कूल चला जाता है। स्कूल से वापस आते हुए वो अपने एक दोस्त को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखता है। वो उसे पूछता है कि कहीं तुमने लैना के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया। उसका दोस्त कहता है लैना के साथ तो नहीं, बट उसके एक फ्रेंड के साथ। जोल अंदर जाके लैना से कहता है कि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। लैना उसे पैसे देने के लिए भी रेडी थी, बट गुस्से में आकर जोल उन दोनों को बिना लात मारे घर से निकाल देता है। वहां से निकलते ही रास्ते में लैना की मुलाकात अपने मैनेजर से हो जाती है और वो भागते हुए वापस जोल के घर में आ जाती है। मैनेजर जोल को धमकाते हुए कहता है
कि तुम्हें इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जोल उसे पुलिस की धमकी भी देता है, बट वह मैनेजर उल्टा जोल को धमकाते हुए वहां से चला जाता है। अंदर लाना और उसके फ्रेंड बीकी जोल से कहती है कि सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, उसके पेरेंट्स आने से पहले वो लोग वहां से चले जाएंगे। रात में लाना जोल के पास आती है और कहती है कि क्यों ना हम एक ड्राइव पर चले। तीनों फिर ड्राइव पर निकल जाते हैं और जोल अपना दोस्त बेरी को भी बुला लेता है। चारों फिर गांजा फूंक कर एंजॉय करने लगते हैं। लाना गाड़ी को एक हिल टाइप जगह पर पार्क कर देती है। लाना फिर जोल को अपने बिजनेस के बारे में बताती है। वो कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स काफी अमीर हैं और मेरी भी काफी अच्छी जान पहचान है, क्यों ना तुम्हारे घर में एक सेक्स क्लब का बिजनेस करे, इसमें बहुत फायदा होगा। जोल उसे पूछता है कि तुम ये सब काम क्यों करती हो। लाना कहती है कि उसके स्टेप फादर उसका गलत फायदा उठाना चाहते थे, इसलिए वो घर से भाग गई थी और तब से वो ये सब कर रही है। जोल का उसे जज करना लाना को अच्छा नहीं लगता है और वो उठकर वहां से चली जाती है। हिल पर गाड़ी पार्क होने की वजह से अचानक गाड़ी नीचे की ओर सरकने लगती है। जोल उसे रोकने की काफी कोशिश करता है बट गाड़ी सीधे लेक में चली जाती है। जोल की फटके चार हो जाती है क्योंकि उसकी डैड की पोर्श थी। उस गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। वो काफी डिप्रेस्ड हो जाता है। एक दिन गुस्से में आकर वो अपने टीचर का कॉलर पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे एक हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जोल फ्री भी था और उसे पैसों की जल्द से जल्द सख्त जरूरत भी थी। मन मार कर वो लाना के पास जाता है और उसके बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जोल की निकल पड़ती है। जोल अपना सेल्स टैलेंट और लाना अपनी कॉन्टैक्ट्स यूज करके बिजनेस को जोर शोर से शुरू करते हैं। जोल के घर पर कस्टमर्स और लड़कियों की भीड़ लगी होती है। उसी रात प्रिंसटन कॉलेज से रदरफोर्ड नाम का एक रिक्रूटर जोल का इंटरव्यू लेने उसके घर पहुंचता है। वो देखता है कि घर में तो नंगा नाच चल रहा है। जोल फिर उसे लेकर एक शांत कमरे में जाता है, बट क्योंकि जोल के घर में बिजनेस चल रहा था, हर थोड़ी देर में कोई ना कोई वहां उन्हें डिस्टर्ब करने आ ही जाता था। वो रिक्रूटर जोल से पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। जोल कहता है कि वो बिजनेस करना चाहता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिक्रूटर भी वहां रुक जाता है और पार्टी एंजॉय करने लगता है। आखिरकार दिल तो बच्चा है, क्या कर सकते हैं। खैर, लाना जोल से कहती है कि हमने काफी सारे पैसे कमाए हैं, तुम एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो। लाना जोल के साथ ट्रेन में इंटीमेट होना चाहती थी, इसीलिए दोनों ट्रेन में चले जाते हैं और ट्रेन खाली होने का इंतजार करने लगते हैं। मौका मिलते ही दोनों ट्रेन में ही शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि जोल के पास पैसे आ गए थे, वह अपने डैड की कार को रिपेयर करवा के घर ले आता है। घर के अंदर आते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि घर का सारा सामान गायब है। एक बार फिर से उसकी फट जाती है। उसे लगता है कि लाना ने ही फिर से उसका चूतिया काटा है और घर का सारा सामान चोरी कर लिया है। वो लाना को कॉल करता है बट लाना की जगह उसका मैनेजर कॉल रिसीव करता है। दरअसल लाना के मैनेजर ने ही जोल से बदला लेने के लिए उसके घर का सारा सामान चोरी कर लिया था। जोल काफी घबराया हुआ रहता है क्योंकि आज ही उसके पेरेंट्स वापस आने वाले थे। वो उस मैनेजर से काफी रिक्वेस्ट करने लगता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर सारा सामान लेकर आ जाता है, जिसके बदले में जोल के पास जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे उसे उस मैनेजर को देने पड़ते हैं। अपने फ्रेंड्स की मदद से जोल फिर से सारे फर्नीचर को अपने जगह पर सेट कर देता है। उसे अपने पेरेंट्स को एयरपोर्ट से पिक भी करना होता है, बट वो सामान टिक करने में इतना बिजी हो जाता है कि उसके पेरेंट्स तब तक घर पहुंच चुके होते हैं। जोल सब कुछ ठीक तो कर देता है, बट जल्दी जल्दी में उससे एक गलती हो जाती है। उसके मॉम की वो एंटिक अंडा में क्रैक हो जाता है, जिसकी वजह से उसे अपनी मॉम से काफी डांट पड़ती है। जोल को अभी सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि उसने किस कांड को अंजाम दिया है। जोल के फादर उसे कहते हैं कि इंटरव्यू लेने के लिए जो रिक्रूटर आया था वो उसके काम से काफी इंप्रेस हुआ है और उसे प्रिंसटन में एडमिशन भी मिल गया है। अब वो रिक्रूटर किस बात से खुश हुआ था ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जोल की मुलाकात फिर से लाना से होती है और वो दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और उसी रात वो दोनों फिर से एक और बार इंटीमेट होते हैं और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी रिस्की बिजनेस की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।